चप्पलों का हार लेके फिर रहे सभी के लिए। क्यों कि अगर एक ड्राइवर के घर के ऊपर पूरा परिवार उसके घर के ऊपर, हाँ, अगर कल को उससे कोई हादसा होता है या कोई दारू पीने वाला है, मोटरसाइकिल है, बच्चा ना बल्कि गाड़ी में घुसता है, इसका जवाबदार कौन रहेगा? वो 10 साल की सजा काट। उन्होंने अमित शाह ने अपने बेटे को ड्राइवर बनाना पहले, उसके बाद ये कानून लगाना कि अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है तो अमित शाह के बेटे का क्या लूंगा। अभी इन्होंने अपने अपने बेटों को लंदन अमेरिका पढ़ने के लिए भेजे है, यहाँ पे इनके बच्चे नहीं ड्राइवर है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, अजंता शहर के बस स्टॉप पे हम पहुंच चुके। जो डरार भाई ने जो काला कानून बनाए डरार भाई के लिए, तो उसके लिए पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं यहाँ। तो सभी अजंता के डरार भाई जितने भी हैं यहाँ पहुंच चुके हैं। देखिए हमारे जो पीछे आपको नजर आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमने वीडियो अपलोड करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भाइयों में शेयर करना चाहिए। तो यहाँ के अजंता शहर के जो ड्राइवर साहब है उनसे हम बात करने वाले, तो बने रहे दोस्तों वीडियो में। शहर के ड्राइवर यहाँ जो रोड पे मौजूद है, ये देखिए सभी जो नज़र आ रहे हैं, काले कानून जो सरकार बना रही है, ये जूतों का हार भी ड्राइवर के वास्ते। ये देखिए तो सभी लोग यहाँ मौजूद है। तो यहाँ हम बात करने वाले, तो भास्कर भाव से बात करने वाले। भास्कर भाव, क्या बोलना चाहेंगे आप? ये जो अपने गृह मंत्री अमित शाह जी इन्होंने जो नियम लागू करे हुआ है, ये कानून के खिलाफ है, क्योंकि भारतीय संविधान को छेड़छाड़ है। अगर घर में मैं अकेला ड्राइवर है, कल को अगर मेरे हादसे कोई हादसा होता है, मेरे बच्चे परिवार को कौन संभालेगा? मैं 10 साल अगर अंदर रहूं, 7 लाख रुपए कहाँ से भरूंगा? मेरा घर बर्बादी है ना, फिर समझो ये सरकार है, समझो पब्लिक के साथ में, ये पब्लिक को पूरे भारत को बर्बाद करना चाहती है। यही मेरा निवेदन है कि अमित शाह जी ने अपना जो नियम लिए, कानून, काला कानून, ये वापस लिया जाए। बस ये हमारी विनंती है सबकी। तो यहाँ फकीरा भाई भी मौजूद है, जो फकीरा भाई से भी हम बात करें। फकीरा भाई, क्या बोलना चाहेंगे आप? ये इन्होंने जो कानून लगाया, ये ड्राइवरों के विरोध है, ड्राइवर पे अन्याय है। ड्राइवर जब ये 7 लाख रुपए लाइया और करिया तो कहाँ से करिया और कहाँ से भरिया? अच्छा, ड्राइवर करे अगर 7 लाख रुपए रहते तो गाड़ी तो नहीं चलाता। वो 7 लाख रुपए भी भरेगा तो 10 साल तो उसको सजा काटनी है ना। कौन पालेगा? सरकार देंगी क्या? अब ये बोल रहा ना डेपो की लाइट की गाड़ी जो मुक्का में रहती है, उसका एक्सीडेंट होगा, एक आदमी जाकर मर गया। अगर दारू पी के अगर कोई गाड़ी में घुस गया तो उसको जिम्मेदार कौन है? सरकार ने ये भी तो सोचना था ना। ड्राइवर कभी सोचता क्या मरने का? हमारे ये भाई बोलेंगे इब्राहिम भाई क्या बोलना चाहिए आप? ये अमित शाह ने जो है तो काला कानून जो है तो वापस देने को होना। ड्राइवर के पास 7 लाख रुपए कहाँ से? वो खुद भाड़े के घर में रहता, उसके पास कहाँ से आएंगे 7 लाख रुपए? उन्हें काला कानून वापस देने को होना, पब्लिक को परेशान नहीं करने को ना, रोजगार देने को ना, रोजगार कम कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सभी आपको जो हम बता रहे हैं, सभी लोग यहाँ अजंता शहर के ड्राइवर साहब भाई यहाँ मौजूद है। हर घर में ड्राइवर है, जिंदाबाद के सभी ड्राइवर भाई रोड पे आ चुके हैं। यहाँ आपको नजर आ रहा है, पहले हमने बहुत से लोगों से भी बात की है, वो वीडियो में आपने देखे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। ये देखिए इस तरफ जो गाड़ी चढ़ रही है, उन ड्राइवर से भी मेरी बिल्कुल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको कुछ समझना चाहिए। आप ड्राइवर भाई है, क्योंकि आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप कुछ समझ सकते हैं। आपको 10 साल की सजा होगी, 7 लाख रुपए जुर्माना होंगे, तो कहाँ से लाएंगे आप पैसे? तो ये सोचना चाहिए सभी को, जो काला कानून पे विरोध करना चाहिए। मेरी आप लोगों से, ड्राइवर भाइयों से बिल्कुल ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। सभी ड्राइवर भाई यहाँ मौजूद है। तो चलते हैं दोस्तों, पूरी जानकारी आपको हमने वीडियो में दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। अजंता शहर में ड्राइवर भाइयों ने किए, देखिए यहाँ आंदोलन कर रहे हैं ड्राइवर भाई, सभी लोग मौजूद हैं यहाँ। तो ये जलगांव हाईवे और ये औरंगाबाद हाईवे जो आपको सामने नजर आ रहा है, और इस तरफ बुल्लाना हाईवे है। ड्राइवर भाई के लिए चप्पलों का हार है जो सामने नजर आ रहा है, जो गाड़ी चलाते दिखी है तुमको, उसको हार पहनाया जाएगा। तो सभी ड्राइवर भाई यहाँ मौजूद है अजंता शहर में।
तो सभी ड्राइवर भाई यहाँ मौजूद है, जो अमित शाह ने जो काला कानून लाया ड्राइवर भाई के लिए, उसी के लिए हर जगह जगह औरंगाबाद में सभी जगह जो ड्राइवर भाई अपने अपने तरीके से जो मोर्चा निकाले, आंदोलन कर रहे हैं, रोड रास्ता रोको आंदोलन। ये देखिए अजंता शहर में भी चप्पलों का हार लेके फिर रहे हैं सभी के लिए। हमारे यूनियन के अध्यक्ष मंथल भाई, उनको उनका हार पहना के मैं स्वागत कर रहा हूँ। क्योंकि अगर एक ड्राइवर के घर के ऊपर पूरा परिवार उसके घर के ऊपर, हाँ, अगर कल को उससे कोई हादसा होता है या कोई दारू पीने वाला है, मोटरसाइकिल है, बच्चा ना बल्कि गाड़ी में घुसता है, इसका जवाबदार कौन रहेगा? वो 10 साल की सजा काटेगा, उसका परिवार कौन संभालेगा? इसकी वजह से अमित शाह से निवेदन है, नम्र विनंती है कि उन्होंने अपना कायदा वापस लेने को होना। उन्होंने हमारी ड्राइवर बनाना और उसके बाद जो है तो कानून लगाना। उन्होंने अमित शाह ने अपने बेटे को ड्राइवर बनाना पहले, उसके बाद ये कानून लगाना कि अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है तो अमित शाह के बेटे का क्या लूंगा। अभी उन्होंने अपने अपने बेटों को लंदन अमेरिका पढ़ने के लिए भेजे है, यहाँ पे इनके बच्चे नहीं ड्राइवर है, ये गरीबों के बच्चे ड्राइवर है। अगर इत्तेफाक से इनसे एक्सीडेंट हो जाता है तो इनकी पूरी फैमिली खत्म हो जाएंगी, इनका कोई पालने वाला नहीं रहेगा, कोई खाने वाला नहीं रहेगा। तो उस टाइम में अमित शाह इनको पूछेगा भी नहीं कि तुम भूखे हैं क्या, प्यासे हैं करके। भारतीय संविधान के खिलाफ है ये कानून। इसलिए हमारी गुजारिश है कि अमित शाह ने ये कानून को जल्दी से जल्दी तहकूब करके ड्राइवरों के हक में अच्छा फैसला देने।